गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड। आई एम सीमा कोचिंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। देखो, रिसर्च एप्टीट्यूड को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। उससे पहले एक बार आप सिलेबस देख लीजिए। ये है आपका सिलेबस जिसके अंदर आपको क्या करना है। रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, अप्रोच टू रिसर्च, मेथड्स ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव मैथड्स, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, थीसिस, आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मेट, स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, एप्लीकेशन ऑफ वाइसिटी इन रिसर्च, रिसर्च एथिक्स। कहने का मतलब ये है कि जितना आसान ये सिलेबस दिखाई दे रहा है, इतना आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। ये सब्जेक्ट बहुत आसान है, लेकिन इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझनी पड़ेगी, ठीक है। आज मैं आपका बेसिक्स आपको स्ट्रॉन्ग बनवा दूंगी, डोंट वरी, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। थोड़ा सा मतलब मैं बता दूंगी कि किस तरीके से सिलेबस प्रिपेयर करना है। बाकी रिसर्च एप्टीट्यूड अगर आप अच्छे से करोगे तो आपके लिए बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, और आपको पता है इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। 14 मार्क्स आउट ऑफ 50 इसमें से आने वाला है, ठीक है। 6 to 7 क्वेश्चंस हर बार आते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड से, तो आपको पता होगा कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो और मैं बता देती हूँ लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में, बता देती हूँ कि अभी ना बैक कैमरा की कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन ओनली फ्रंट कैमरे से आ रहा है, जिसकी वजह से बोर्ड वगैरह सही अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो ये जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मैं लाइव स्ट्रीमिंग आके आपको बहुत अच्छे तरीके से आपके डाउट वगैरह भी ले लूँगी, डोंट वरी। हम बहुत ही क्लास वाले तरीके से ही पढ़ेंगे, बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं लेनी आपने, ठीक है। बट वही है कि आज भी मैंने पूरी कोशिश करी, सुबह से लगी हुई थी कि एक बार हो जाए, पर एडजस्टमेंट ही नहीं हुई। कहने का मतलब है कि वो वेब कैमरा वगैरह लाना पड़ेगा, तब जाके ये पॉसिबल होगा। सो आज आप यही लेक्चर देख लीजिए, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें भी बताने वाली हूँ। फिर हम लाइव स्ट्रीमिंग डेली का एक लेक्चर लेंगे, ठीक है, 1 आवर का। चलो एक बार समझो। देखो, ये रिसर्च है ना, रिसर्च ये दो शब्द से मिलकर बना है, ये बात आपको भी पता है। एक होता है आपका री और प्लस सर्च, डन, ठीक है। दो वर्ड से मिलकर बना है ये। अब मुझे ये बात बताओ, री का मतलब क्या होता है? री का मतलब होता है दोबारा से, ठीक है, और सर्च का मतलब होता है सर्चिंग, यू नो। तो दोबारा से किसी बारे किसी भी चीज़ को सर्च करना, उसको क्या बोलते हैं? रिसर्च, डन। अब मेरे को एक बात बताओ कि हम रिसर्च क्यों करते हैं? हमें ना, मतलब हम रिसर्च तो ऐसे करते होंगे कि हमारे हमें ये सामने इस चीज़ में किसी ने रिसर्च कर रखी, हमें कोई प्रॉब्लम दिखाई दी, हम उस पर सर्च करने लग गए। कहने का मतलब है कि हम नोन फैक्टर से जानते तो हैं, क्या लिख दिया मैंने, नोन फैक्टर से जब अननोन फैक्टर की तरफ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रिसर्च, ठीक है। तो जो ये रिसर्च है ना आपकी, रिसर्च ये आपकी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग समझते हो? कहने का मतलब है इसमें ना आप अपनी तरीके से नहीं करोगे, साइंटिफिक है, और साइंटिफिक जहां पर ये वर्ड आ जाता है उसका मतलब होता है फैक्ट बेस्ड है, डन, यूनिवर्सल। एक है रिसर्च का जो रिसर्च जो है ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिविटी पर बेस्ड है। देखो ये वर्ड ना इतना आसान है, ऑब्जेक्टिविटी, अगर आप हमेशा इस वर्ड से याद रखोगे तो। सब्जेक्टिविटी को पहले याद रखो, जहां पर भी ऑब्जेक्टिविटी आ जाए ना सब्जेक्टिविटी याद रखो। कई बच्चे ना ऑब्जेक्टिविटी को ऑब्जेक्टिव मान लेते हैं, मतलब एम मान लेते हैं, लेकिन जहां पर ये वर्ड आ जाए ना ऑब्जेक्टिविटी, उसको सब्जेक्टिविटी से कनेक्ट करना पहले। देखो सब्जेक्टिविटी जहां पर आ जाती है वहां पर बायसनेस होती है, ठीक है, समझ रहे हो, बायसनेस। अब ये जो बायसनेस आई, इसका मतलब आप एक तरफा मतलब एक साइड ले रहे हो, समझ रहे हो। जैसे ये टीचर था क्लास में, ठीक है, इनके पूरे बहुत सारे बच्चे थे क्लास में। अब ये बच्चा था बहुत होशियार, ये इंटेलिजेंट बच्चा था मिस्टर राम, ठीक है। अब ये मिस्टर राम बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था, टीचर हमेशा इस बच्चे की साइड ले रही है, बेचारे और बच्चे परेशान। इसका मतलब हम ये क्या कहेंगे, हम कहते नहीं थे
मैम तो ना बॉयसनेस करते हैं, तो जहाँ पर बायसनेस आ जाती है उसका मतलब ये सब्जेक्टिविटी हो गया, और ये ऑब्जेक्टिविटी इसका रिवर्स होता है। क्या होता है इसका मतलब, आप समझ में आया कि जो सब्जेक्टिविटी है वो बायसनेस है, ऑब्जेक्टिविटी उसका रिवर्स है। दैट मीन ऑब्जेक्टिविटी क्या है आपकी, नो बायसनेस। समझ में आया? यस, वेरी गुड। अब सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी रिलायबिलिटी। देखो रिलायबिलिटी जहाँ पर याद आ गई आपको याद रखना आरसीसी, मतलब कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब देखो ये वाला है, मान लीजिए ये इसकी आंख है, अर्जुन को ये आंख दिखाई दे रही थी। अर्जुन बार बार तीर मार, अर्जुन ने मारना था यहाँ पे, लेकिन भीम आया, भीम ने मारना स्टार्ट करा यहाँ पे भी। ऐसे ऐसे जितनी बार मारता सोचता यहाँ पर लगता यहाँ पे जाके, पर हर बार लग रहा। तो याद रखना जो ये एरिया है ना, बार बार जहाँ पर लग रहा है ना उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। इसका मतलब ये चीज रिलायबल है, विश्वसनीय है, आप विश्वास कर सकते हो कि बार बार ये काम कर रहा है, लेकिन ये वैलिडिटी नहीं है। वैलिडिटी कब होगा, जब तीर का निशान यहाँ लगेगा। समझ में आई बात, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा। अब देखो हमेशा याद रखना जो आपकी कंसिस्टेंसी है वो मतलब बार बार, जैसे अगर आपने उसमें अकाउंट्स में पढ़ा होगा, एक आपका प्रिंसिपल होता है कंसिस्टेंसी का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप हर बार एक ही मेथड फॉलो कर रहे हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप डेप्रिशिएशन लगाते हो और उस टाइम पर अगर आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लेते हो, तो हर बार आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ही लेके चलते हो, ये आपका कंसिस्टेंसी है। हालांकि आपको मान लीजिए आपको ये पता है कि अब की बार हमें स्ट्रेट लाइन लेना था, ठीक है, पर फिर भी आप हर बार रिटर्न डाउन वैल्यू को ही लेके चल रहे हो। तो अगर मान लीजिए वहां पर स्ट्रेट लाइन लेना था और रिटर्न डाउन वैल्यू लेकर चल रहे हो, अगर आप वहां पर स्ट्रेट लाइन मेथड लेकर चलते हो तो हो गया वो। देखो ये वीडियो मैंने ट्रायल बेस पर डाली थी, अगर आपको इस तरीके से पढ़ना है और अगर आपको समझ में अच्छे से आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, मैं बाकी का जो सिलेबस है वो इसी तरीके से बना दूंगी, या फिर जब हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे तब भी हम इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, ऐसे ही मतलब आपको आपका मेन फोकस सिर्फ पढ़ाई पर रहेगा, तो आप मुझे बता दीजिए। आपको अगर यूँ लग रहा है कि थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, जिस भी तरीके की जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं करने की कोशिश करूँगी, तो आपकी तो बस आपका इतना ही फ़र्ज बनता है कि आप नीचे कमेंट में लिखकर मुझे बताइए कि ये वाला तरीका आपको समझ में आया। तो फिर हम कल से 1 आवर का लेक्चर इसी तरीके से लेंगे। अगर लाइव स्ट्रीमिंग कल से चालू हो जाती है तो फिर तो मैं आपके साथ साथ डाउट भी ले लूँगी और साथ के साथ हम लर्न भी कर लेंगे, क्योंकि जब इंटरेक्शन होता है तो उसकी अलग ही बात होती है, बिल्कुल क्लास जैसा माहौल लगता है। और जैसे मतलब मैं पूछूंगी आपसे कि हो गया लर्न, फिर हम बोलेंगे हाँ हो गया, तो फिर आगे चलेंगे, तो एक मज़ा ही अलग आएगा वो। तो बाकी कोशिश पूरी रहेगी कि 1 या 2 दिन में स्टार्ट हो जाए, जो जो प्रॉब्लम आ रही है मैंने वो फीडबैक वाले ऑप्शन में भी कर दिया है, मैसेज कर दिया है यूट्यूब वालों को, तो जो भी है वो ठीक हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर। वो कह रहे कि 24 आवर के अंदर ठीक हो जाएगा। बाकी अगर आपको इस तरीके से पढ़ना है ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। आज वाली वीडियो इसी तरीके से हम लाइव स्ट्रीमिंग में भी बैक कैमरे से ऐसे ही पढ़ेंगे, अगर आपको अच्छा लगेगा तो। ठीक है, हाँ फटाफट मुझे कमेंट करके बता दीजिए। एंड थैंक यू।